रावण के बारे में जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है कि वो एक प्रतापी, मायावी लेकिन दुष्ट राक्षस था, जिसे अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था। लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसका घमंड चकनाचूर और उसकी सोने की लंका जलकर राख में तब्दील हो गई, और उसकी वो गलती थी माँ सीता का हरण। एक पराई स्त्री को जबरदस्ती अगवा करके उसे अपने घर में ले आना उसकी विनाश का कारण बना। रावण की इस दुर्दशा का अंदाजा उसकी पत्नी मंदोदरी को शायद पहले ही हो गया था, और इसी कारण से उसने अपने रावण से प्रार्थना की थी कि वो सीता को वापस करके भगवान राम से माफी मांग ले। लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी। जब युद्ध करते करते उसे अपनी हार का अंदेशा हुआ तो उसने महिलाओं के बारे में 5 अवगुण बताए थे, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में तो नहीं लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में जरूर मिलता। तो आइए जानते हैं महिलाओं के इन 5 अवगुणों के बारे में। दोस्तों, रावण ने सबसे पहले स्त्रियों का अवगुण बताते हुए कहा कि स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं, क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से, गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती, और इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। दोस्तों, रावण ने स्त्रियों के तीसरे अवगुण के बारे में बताते हुए कहा था कि वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ नहीं करती हैं। तो वहीं रावण ने बताया कि महिलाएं मूर्ख होती हैं, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वो गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर बाद में होता है। दोस्तों, रावण स्त्रियों के बारे में 5वां अवगुण बताते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं, और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोहमाई मायावी खेल भी खेल जाती हैं।